वेलकम टू माय स्मार्ट फिटनेस, मैं हूं आपका ट्रेनर इजाज अहमद। आज हम जो वीडियो शूट करने जा रहे हैं आपके साथ वो है डे टू फॉर स्टार्टर्स। आपने हमारी वीडियो देखी होगी जिसमें डे वन फॉर स्टार्टर था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें और उसके बाद इस सेशन के ऊपर आएँ जो डे टू है बिगिनर्स के लिए, उसी को हम स्टार्टर कह रहे हैं। ये जो डे टू की एक्सरसाइज है ये आपने स्टार्ट करनी है सेकेंड वीक जब आपका स्टार्ट हो जाए। फर्स्ट वीक पे वही एक्सरसाइज करनी है जो हमने आपको लास्ट वीक के लिए बताई है। और आज जो हम एक्सरसाइज अपने इन दोस्तों के साथ करने जा रहे हैं वो डे टू है और आपके लिए वो पूरा वीक होगा। आपने एक्सरसाइज को चेंज नहीं करना, किसी दूसरे सीनियर को देखकर आपने उसकी एक्सरसाइज को कॉपी नहीं करना। शुरू में आपके मसल बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट आपको 4 से 5 हफ्ते का वर्कआउट उनको देना चाहिए, फिर जाकर आप अपना रियल वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस आर यू रेडी? रेडी, रेडी, ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डे टू फॉर योर डे फॉर योर वीक टू। गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। गाइस यू आर रेडी? रेडी, गो टू योर पोजीशंस। शजील भाई आप आ जाएं बेंच पे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से रोइंग मशीन के ऊपर। कम ऑन, स्टार्ट योर सेट विद रोइंग मशीन। बैक पुली, बैक 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 फ्रंट फ्रंट पुली के ऊपर, फ्रंट के ऊपर बेटा, फ्रंट पे काउंट करें। 1 2 3 4 5 उज़ैर है ऑलरेडी। ओके, फ्रेशर ये हमारी मोमो की एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है एंड वी डिफ्टर राइट। और इसमें एक चीज़ हम बताना भूल गए कि एनी एक्सरसाइज यू आर गोइंग टू स्टार्ट ऑलवेज स्टार्ट विद योर वार्म अप करने ताकि आपको इंजरीज के चांसेस कम हो। शजील आर यू रेडी? गो टू द बेंच नाउ। हमने एक एक्सरसाइज आज डे टू में वीक टू के लिए इंक्लूड की है फ्री वेट्स की। जैसे हमारे साथ थोड़ा स्लो स्पीड, थोड़ी स्लो, पूरा रेप कंप्लीट करो ऊपर ला के, एक मिनट होल्ड करें। देखें इसमें एक जो थोड़े से एडवांस लर्नर्स होते हैं या इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं वो थंब को ओपन रखते हैं, इसमें बार के छूटने का चांस होता है। आप थंब को प्रॉपर बंद करो, दिखा दें इनका थंब प्रॉपर बंद है। नाउ यू स्टार्ट योर सेट। 1 2 3 4 9 एंड 10, दैट्स इट, वापस आ गए, थैंक यू। ओके, एक एक्सरसाइज हमारी बेंच की हो गई, एक हमारी पुली हो गई और एक बटरफ्लाई मशीन हो गई। अब लेग्स पे कौन आ रहे हैं? लेग्स पे आ रहे हैं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, कम ऑन द लेग्स। लेग एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन। शहबाज भाई आए हैं, शहबाज लेग एक्सटेंशन पे है और 8 to 10 रेप्स और 60 अगर कर देंगे तो दैट्स इनफ। 1 2 3 4 5 9 and 12, that's it। ऐसा हमारी लेग की एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। अब हमें चाहिए कैंडिडेट बैक लेग कर्ल के ऊपर। कौन आ रहा है बैक लेग कर्ल पे? एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन, देखो आ जाओ बेटा, आ जाओ बैक लेग कर्ल। वेट बेटा अपना चेक कर लो, चेक योर वेट, स्टार्ट योर एक्सरसाइज, आ जाओ। 1 2 3 गो। स्लो एंड स्टडी। 1 2 3 4 5 6 9 11 last rep and 12, that's it। Now we are going to move towards our squatting. Who is going to do the squatting set for us? Bilal, the great.
ओके, इसमें थोड़ा सा टेक्निक हम बता दें, जैसे बिलाल ने इसको लिफ्ट किया है, पैरों की पोजीशन दिखा दें, थोड़ा सा अगर तुम और ब्रॉड कर लो तुम्हारी ये सेट नीचे हो जाएगा। तो हमेशा अपना फेस ऊपर रखें, अपना चेस्ट ऊपर रखें। स्टार्ट योर सेट, 1 2 3 4। इसमें देखेंगे कि एरिया फुट तो नहीं है, पूरा फ्लैट फुट होना चाहिए। कीप ऑन मूविंग। यहाँ एक सेकंड का होल्ड ले जाए लोगों पर तो ज़्यादा मजा आएगा। दैट्स इट, 11 लास्ट सेट, 12 कम ऑन, जबरदस्त फैक्ट्री। ओके फैसल, अब हम आ रहे हैं रोइंग मशीन की तरफ। थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू। रोइंग मशीन चला जाए, रोइंग मशीन चला। ये बेंच हटाओ यहाँ से, सामने से ये बेंच हटाओ पहले इसको। रोइंग की सीट रखो उधर, एक बार गई वाली यहाँ रख लें, कुछ दूसरी रख लें। रोइंग बार के, रोइंग बार के जी एजाज भाई। ओके गाइस, नाउ वी हैव रीच टू रोइंग मशीन। बैक की एक्सरसाइज है और इसमें आपने 6 से 12 रेप्स की ट्राई करनी है स्टार्ट। इसमें टेक्निक में आपको बता दूं कि इसमें आपकी पोजीशन बैक की ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए और यहाँ पर थोड़ा सा कर्व होगा और यहाँ इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच वर्क करना, बस इतना स्ट्रेच काफ़ी है, आपकी बैक पे मसल्स के ऊपर लोड है। स्टार्ट, 1 2, फेस ऊपर रखें और मंडा नहीं होना चाहिए लगभग इसको ब्लॉक्स को जाकर। 4 5 6 9 एंड थैंक यू तला। दिस इज द सेकेंड डे फॉर द स्टार्टर फॉर द बिगिनर्स एंड दिस इज गोइंग टू बी योर सेकेंड वीक ऑल्सो। आपने जो ये वर्कआउट आज देखा है या जो देख रहे हैं, इसको आपने पूरा वीक करना है ताकि आपके मसल अच्छी तरह कंडीशन हो जाएं और उसके नेक्स्ट वीक में हम आपको कुछ नई एक्सरसाइज मजीद ऐड करेंगे और फिर आपका इंडिविजुअल वर्कआउट स्टार्ट हो जाएगा 1 मॉडिफाइड वीक में। अब हम फैसल मूव कर रहे हैं रोइंग बार की तरफ। कम ऑन टू द रोइंग बार। बेंड ओवर, बेंड ओवर। ये भी डे टू वीक टू में डालना है जस भाई। थोड़ा सा बैक को बेंड करें, एक मिनट रखते हैं नीचे में करके दिखा दूँ। टेक्निकल एक्सरसाइज है तो मैं इसकी फॉर्म बता दूँ ताकि इसको शहबाज फॉलो कर लें। एजाज भाई एक आध आप भी करके दिखा दें। बैक की एक्सरसाइज है, इसमें बैक थोड़ी सी बैंड है, बहुत ज़्यादा आपने लिफ्ट किया हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 This is going with the bar. आप शहबाज को करके दिखा रहे हो, तुमने अपनी बैक को बहुत लिफ्ट किया हुआ, थोड़ा सा बेंड रहना है, बेंड रहना है नीचे। यस, बहुत ज़्यादा बेंड है, बहुत कम बेंड कर रहे, इतना पोजिशन किया। यस यस कम ऑन, अब बार को देखो, बार फ्रेश के इतना क्लोज है कि मेरी पोजिशन अच्छी हो जाए। 1 2 3 4 5 9 कसर इसमें काउंट करता है कि लेग्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो लीवर बन रहा है, जो सपोर्ट बन रही है, वो लेग्स की बन रही है। अगर आपकी लेग्स थोड़ी सी वीक हैं तो आपको ये एक्सरसाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमने बार की बेंच कर लिया, स्क्वाट कर लिया और रोइंग बार भी कर लिया। तो दीज वर द 3 एडिशनल एक्सरसाइज फॉर यू। आपने इसी एक्सरसाइज को पूरा वीक कंटिन्यू रखना है। गाइज आ जाए वापस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आ जाओ तला, आ जाए आ जाए। सो दिस वॉज द सेकेंड वीक, सेकेंड डे फॉर यू, दूसरे दिन की एक्सरसाइज है, इसको आप रिपीट करें। ये एक सर्किट कंप्लीट हुआ, उजैर यहाँ सर्किट्स कर सकते हैं। कभी भी आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट लेवल पे या एडवांस लेवल की एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे। हमने 2 एक्सरसाइजेस पिछले वीक की रखी है और एक एक एक्सरसाइज में हमने ऐड की है जो कि फ्री वेट्स के ऊपर है। गाइस कैसी लगी ट्रेनिंग? जब भी आप किसी को भी आप रेकमेंड करें एक्सरसाइज, तो उसको ये बताएं कि स्टार्ट में आपको कम से कम 1 महीना कंडीशनिंग करनी है
उसके बाद जाकर आप इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे। थैंक यू गाइस, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स अपने शेयर करें, अगर पसंद आई तो लाइक भी करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, माय स्मार्ट फिटनेस।